और महबूबा मुफ्ती ने वैष्णो देवी रोपवे परियोजना का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी से इसे पुनर्विचार करने और स्थानीय आजीविका की सुरक्षा की अपील की है। कटरा रोपवे मसले में एक्स प्रेसिडेंट राजन सिंह ने कटारा में आकर समर्थन दिया और कहा है कि आगे भी पूरी युवा राजपूत सभा कटारा के लोगों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। आज बात हो क्या करेंगे, 5 साल से तो एलजी साहब यहाँ है, मुझे बताइए कितने लोग को नौकरी मिली, मुझे बताइए नौकरी, सरकारी नौकरियां तो बहुत कम ऑलरेडी है। मगर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, मेरी जय माता दी जी। अज जिन्हें संघर्ष समिति साड़ी मुलाकात हुई है, मैं उन्हें ये आखना चाहना जिथे भी साड़ी जरूरत हो, जिन्हें तुस तो आगे हो अस उगे करके। एक गल सरकार जरूर आखना चाहते हैं कि हर बंदे की दबाना, हर बंदे की जी चूड़ी टाइट करना तुम्हें काम पकड़ेगा ना, यह काम ठीक नहीं है। कुदा ना कुदा जिथे जाना तो उनकी गल जरूर सुननी चाहिए। हम सभी ने एक ही निर्णय लिया है, चाहे हमें अपनी जान देना पड़ेगी दे देंगे, जो जो रोड पे है जे नहीं लगेगा और नहीं लगने देंगे। एक वोट से सरकार गिर गई थी पर वो पूरे देश का नुमाइंदा नहीं था। ऐसे ही अगर बलदेव राय शर्मा एमएलए बना हुआ है तो ठीक है, ये एमएलए तो जीत गया है पर ये हमारा सौदा नहीं कर सकता, श्राइन बोर्ड के साथ हमारा सौदा नहीं कर सकता कोई, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो।